हवाई यात्रा आप में से काफी लोगों ने की होगी, नहीं भी की हो पर हवाई जहाज के बारे में अच्छे से जानते जरूर होंगे। हवाई यात्रा वैसे तो आज के समय में सबसे सुरक्षित और तेज यात्राओं में से एक है। हवाई यात्राओं ने एक देश से दूसरे देश में यात्रा करने को बहुत आसान बनाया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे खतरनाक एयरपोर्ट्स हैं जहां पर लोग जाने से डरते हैं? ऐसा क्यों है? इन सभी बातों को जानने के लिए हमें दुनिया के कुछ खतरनाक हवाई अड्डों के बारे में जानना होगा। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मरीन कोर एयर स्टेशन फुटेनमा। 2003 में यूएस के रक्षा सचिव डोनाल्ड रमफेल्ड ने जब मरीन कोर एयर स्टेशन से अपनी उड़ान भरी तो उन्होंने अपने बयान में इस यात्रा को दुनिया की सबसे खतरनाक यात्रा बताया। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बताया कि मरीन कोर एयर स्टेशन ऐसी जगह पर स्थित है जो एकदम भीड़भाड़ वाला शहर है। इस एयर स्टेशन के चारों तरफ पार्क, स्कूल और व्यवसाय वाला क्षेत्र है। ऐसे में अगर उड़ान भरते समय या उतारते समय कोई गलती हो जाती है तो एक साथ कई लोगों की जान खतरे में आ सकती है। नियम के अनुसार मानकों के आधार पर रनवे के प्रत्येक छोर पर एक स्पष्ट क्षेत्र होना चाहिए, यहाँ नहीं है। मेडियरा एयरपोर्ट पुर्तगाल। मेडियरा एयरपोर्ट जो पुर्तगाल में स्थित है, इसके खतरनाक होने के पीछे मेडियरा एयरपोर्ट का रनवे है जो असामान्य रूप से छोटा है। साथ ही रनवे को पहाड़ी इलाके में बनाया गया है जिसके दोनों तरफ बड़ी बड़ी चट्टान और सागर है। रनवे पर चलने वाली तेज हवाओं से लैंडिंग की बड़ी समस्या पैदा होती है। लैंडिंग के समय विमान का दूसरी दिशा में घूम जाने का खतरा अधिक होता है। 1977 में मेडियरा एयरपोर्ट का रनवे बढ़ाया गया था जब रनवे पर विमान के फिसलने से 131 लोगों की मौत हो गई थी। 2003 में फिर से 655 फीट तक बढ़ाया गया था, इसलिए यहाँ पर लैंडिंग करना बेहद मुश्किल भरा काम है। मैकमर्डो एयर स्टेशन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका दुनिया की सबसे ठंडी जगह में से एक है। यहाँ के इलाके हमेशा बर्फ की चादर से ढके रहते हैं और ये एयरपोर्ट अंटार्कटिका में बनाया गया है। मैकमर्डो एयर स्टेशन जो दुनिया के सबसे खतरनाक एयर स्टेशन में से एक आता है। मैकमर्डो एयर स्टेशन के रनवे पर विमान की लैंडिंग कराना किसी जंग लड़ने के बराबर है। मैकमर्डो एयर स्टेशन रनवे ज्यादातर बर्फ से ढका रहता है। बर्फ के कारण इस रनवे पर किसी भी विमान की लैंडिंग करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जब भी विमान लैंडिंग करता है तो उसका फिसलने का खतरा ज्यादा होता है। ऐसे में विमान की लैंडिंग कराना एक चुनौती भरा काम है। मैकमर्डो एयर स्टेशन पर लैंडिंग कराने वाले पायलट को अलग ट्रेनिंग दी जाती है। जिब्राल्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जिब्राल्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे इसको दुनिया का सबसे अजीबोगरीब और खतरनाक एयरपोर्ट बनाता है, क्योंकि जिब्राल्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे जिस जगह पर बनाया गया है जिसके बीच से होकर शहर की मुख्य सड़क निकलती है। ऐसे में अगर कोई कार या पायलट गलती से सिग्नल तोड़ दे तो सैकड़ों यात्रियों का खेल खत्म। जब इस एयरपोर्ट पर किसी जहाज की लैंडिंग होती है तो दोनों तरफ से सड़कों को बंद कर दिया जाता है। 2015 में इस एयरपोर्ट से कुल 4100 उड़ानें भरी गई थी और जिसमें 4,44,336 यात्रियों ने सफर किया था। पारो विमान क्षेत्र भूटान। पारो विमान क्षेत्र दुनिया के सबसे खतरनाक हवाई अड्डों में से एक है जो पारो जिले में स्थित है। ये भूटान का एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पारो जिला हिमालय पर्वत के पहाड़ों में आता है। यह पारो विमान क्षेत्र बहुत ही छोटा हवाई अड्डा है जिसके चारों तरफ घर बने हुए हैं। जहाज को लैंडिंग कराते समय पहाड़ियों में से घूमकर आना पड़ता है। जहाज विमान क्षेत्र के आसपास बसे घरों के ऊपर से होता हुआ आता है। यह हवाई अड्डा 16,000 फीट की चट्टानों से घिरा हुआ है। यहाँ पर जहाज की लैंडिंग कराने वाले केवल मुट्ठी भरी पायलट है जो इस रनवे पर लैंडिंग कराने योग्य है। प्रिंसेस जुलियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कैरिबियन के सेंट मार्टिन द्वीप पर प्रिंसेस जुलियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। ये एयरपोर्ट ऐसे द्वीप पर बनाया गया है जो समुन्द्र के बीच में स्थित है। इस द्वीप के चारों ओर पर्यटक का जमवाड़ा लगा रहता है। प्रिंसेस जुलियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने कुख्यात रनवे के लिए जाना जाता है, क्योंकि ये रनवे समुन्द्र तट के साथ समाप्त होता है जो भारी आबादी वाला क्षेत्र है। इसकी दूसरी तरफ एक पहाड़ है जिसके कारण रनवे पर लैंडिंग कराना और भी मुश्किल काम हो जाता है। कई बार लैंडिंग कराते समय लोग जहाज की तस्वीरें लेने के लिए रनवे के ज्यादा करीब चले जाते हैं। ऐसे में व्यक्ति को नुकसान या मौत भी हो सकती है। कोर्सेवेल एयरपोर्ट फ्रांस। फ्रांस दुनिया के सबसे सुंदर शहरों में से एक है। छुट्टी बिताने के लिए ये एक शानदार जगह है। फ्रांस में बनाया गया कोर्सेवेल एयरपोर्ट फ्रांस का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसलिए अन्य देशों से आने वाले ज्यादा जहाज यहीं पर आते हैं। पर यह कोर्सेवेल एयरपोर्ट अपनी लैंडिंग के लिए इतना खतरनाक है कि आप इसे देखकर अपने दांतों तरह उंगली दबा लेंगे।
इस एयरपोर्ट का रनवे केवल 525 मीटर का है, जो इसको खतरनाक बनाता है। इसके अलावा कोसोविल एयरपोर्ट पहाड़ियों पर स्थित है, जो ज्यादातर समय में बर्फ से ढकी रहती है। एयरपोर्ट का रनवे अन्य रनवे की तरह सीधा नहीं है, इसके बीच में ढलान भी है, इसलिए यहाँ पर लैंडिंग कराना किसी जोखिम भरे काम से कम नहीं है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स, जहाँ पर किसी भी हवाई जहाज की लैंडिंग कराना बहुत मुश्किल का काम है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ऐसा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें अपने विचार बताना ना भूलें।